बीजेपी विधायक रघुनंदन राव ने सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया है। उन्होंने हमारे प्रतिनिधि विजय कुमार से रूबरू होते हुए कहा, सीएम केसीआर से तेलंगाना में जमीनों की बिक्री, बीसी बंधु न दे पाने, अल्पसंख्यकों को लाखों की सहायता को लेकर कई सवाल पूछे। रघुनंदन राव ने तेलंगाना में सरकार द्वारा जमीन बेचने की आलोचना की। उन्होंने याद दिलाया, अदालत ने हैदराबाद के आसपास शमशान से जुड़ी भूमि की बिक्री पर रोक लगा दी है। दुबाका विधायक रघुनंदन राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केसीआर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर आलोचना की और खासकर विकास के मुद्दे को लेकर, करप्शन के मुद्दे पर कई बातें उठाई। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन अहम मुद्दों को लेकर के आपने केसीआर के खिलाफ बोला? नहीं, मेरा विनती ये है, मेरा गुजारिश ये है गवर्नमेंट से, 10 साल कंप्लीट होने वाला है, 2 मरतबा अपने मुख्यमंत्री का नाते वो कुर्सी में बैठे हैं। लोग ये पूछ रहा, देश में हर विधानसभा नहीं तो देश में हर पार्लियामेंट का मीटिंग जो भी है, रेनी सीजन का हो, विंटर सीजन का हो, बजट सेशन का हो, मिनिमम 30 डेज चलता। आपको 30 डेज असेंबली चलाने में क्या तकलीफ हो रहा बोल के लोग पूछ रहा, वही मुद्दा आज मैं मुख्यमंत्री सामने रखना चाह रहा हूँ। 10 साल का आपका तेलंगाना फॉर्मेशन के बारे में आप इतना अच्छा बोलते हैं ना बाहर, एक 30 दिन के लिए सभा क्यों चलाने में आपको तकलीफ क्या हो रहा? मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दा है, वो मुद्दा पर डिस्कशन करो। 1 लाख रुपए का फार्मर्स का लोन वेव है, कहाँ है वो, कितने लोगों को मिल रहा, क्या तकलीफ है उसमें डिस्कशन करने को? तेलंगाना में दूसरी बार आपका गवर्नमेंट आया तो आप 3,016 रुपए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों को स्टाइफंड के नाते दे, तुम बोले कितने लोगों को दे रहा? अब लोग बड़े बात से बोलते, हर घर को एक जॉब हम दिया, 2 लाख नौकरी दिया। अरे बोलो, और कितने नौकरी आज तक दे पाए आप लोग? कितने इन्वेस्टमेंट ने आईटी मिनिस्टर ने फॉरेन कंट्रीज को लाया, कितना नया कंपनीज आया, प्राइवेट सेक्टर में कितना जॉब्स आया वो बोलो। दलित लोगों को 3-3 एकड़ दे तुम बोल के बोला था, कितने लोगों को कौन सा गाँव में 3 एकड़ बांटे वो असेंबली में बोलो। 33 डिस्ट्रिक्ट के एक एक घंटा लेके 33 जिले में इतना दलित बांधव उन लोगों को इतना इतना पैसे दिए। हुजराबाद बाई इलेक्शन में जैसा आप हर घर को 10 लाख रुपए दलित बंधु दे तुम बोले, वैसे ही दलित बंधु हर स्टेट में पूरा कॉन्स्टिट्यूंस में देव बोल के पूछ रहा हूँ। माइनॉरिटीज़ को 1 लाख रुपए माइनॉरिटी बंधु देने के लिए आगे आ रहा है ना गवर्नमेंट, हम लोग ये पूछ रहे हैं ये स्टेट का गवर्नमेंट में, ये स्टेट का जनाबा में 55% बीसी लोग हैं, उन लोगों को क्यों बीसी बंधु नहीं दे सकते? 300 दे तुम बोल के बोल रहा, उन लोग 100 से ज़्यादा कैस्ट है, सब कैस्ट ये पूरा गिने तो 100 से ज़्यादा कैस्ट है बीसी में, कितने लोगों को आता? क्या बोलना चाह रहा आप? अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज फॉर द सेक ऑफ वोट्स बोलना चाह रहा, सही गरीब लोगों को आप मदद करना चाह रहा? बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो माइनॉरिटीज को जो बेनिफिट मिल रहा है उसको कम करेंगे। कोई भी बीजेपी नेता ऐसा नहीं बोला, मोदी जी का स्लोगन ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम लोग सब लोगों को विश्वास में ना लिए तो उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों हम जीत के आता? जहाँ माइनॉरिटी लोग ज़्यादा हैं वहाँ भी भाजपा क्यों जीत रहा? हम लोगों का स्लोगन ही एक है, सबका साथ हम लोग काम करना चाह रहा, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर हम किधर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। उज्ज्वला में सिलेंडर दिए रहे, बाथरूम दे रहे स्वच्छ भारत में, उधर आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है बोल के हम कभी नहीं पूछे। जो लोग पावर्टी लाइन में उन लोगों को देते आगे बढ़ रहा हम लोग। सर, इलेक्शन में कौन सा बड़ा मुद्दा होगा तेलंगाना में खासकर? ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता, फार्मर्स लोन वेवर होता, और कॉलेजन के करप्शन के बारे में होता, अनएम्प्लॉयड यूथ का ज़्यादा गुस्सा है गवर्नमेंट के ऊपर, और गुस्सा जरूर वो लोग बताएगा। कांग्रेस को कितना सीरियसली लेंगे सर इलेक्शन में, चूंकि नंबर 2 पार्टी रही है पिछले इलेक्शन में? सी, पिछले इलेक्शन में 2014 में कितना लोग जीता किधर भाग गई लोग देख रहा, 2018 में कितना लोग जीता किधर भाग गए देख रहा। कांग्रेस को वोट डाले के वजह से TRS को डाले तो अच्छा रहता, लोगों का मन में आ गई कांग्रेस TRS MIM 3 पार्टियाँ अभी एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा से 3-3 बांट के चले जा रहा उन लोग, इसीलिए ये बार कांग्रेस सेकेंड प्लेस में नहीं रहता मेरे को जहाँ तक नॉलेज है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि BRS से और भी लोग आएंगे बीजेपी में शामिल होंगे, किस तरह की बातें हैं? सो BRS से आता, कांग्रेस से आता, हर पार्टी से भाजपा के तरफ ही आता, क्यों बोले तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में काम करना बोल के लोग सोचता वैसे ही आगे बढ़ता। पार्टी के भीतर एकोमोडेशन खासकर उनको वेलकम करने को लेकर के कैसा रहेगा? बीजेपी में अगर दूसरी पार्टी के लोग आते हैं तो महत्व इम्पोर्टेंस उनको देने को लेकर के आपस में खींचतान हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं दे रहा? आप हेमंत बिश्व शर्मा को देखे तो मालूम होता आपको, असम का CM बनाया ना उसको, इसके पहले भी उसको मिनिस्ट्री दिया ना। हमारा पार्टी में भी जो लोग नया नया आया उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस मिल रहा ना पार्टी में, नया लोग पुराना लोग ऐसा नहीं रहता। जो लोग पार्टी का जो बेसिस थियरी है, पार्टी जो बात बोलते, पार्टी का जो फिलॉसफी रहता,
वो फिलासफी की जो फॉलो करेगा उसको अप्रोप्रिएट पोजीशंस मिल जाता, उसमें नया पुराना ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जिस दिन आप पार्टी में शरीक हो गई उसी दिन आप भाजपा का सिद्धांत को पूरा तरीका से आप मानते बोल के ही आप पार्टी में आ रहे ना, उसमें पुराना है नया आया ये कहाँ से आता? किशन रेड्डी साहब के आने के बाद कोई बड़ा प्लानिंग? सी हर पार्टी हर इलेक्शन में जीतने के लिए कोशिश करता, उसीलिए वो पुराना लीडर है, एक्सपीरियंस लीडर है, कार्यकर्ता से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर तक काम करे सो लीडर है, अभी भी कर रहा सेंट्रल मिनिस्टर के नाते, सो उसको तेलंगाना में हर जिले के ऊपर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर थोड़ा मशहूरा है, उसका सीनियरिटी को उसका एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो रघुनंदन राव साहब ने आक्रामक तौर पर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि दूसरी पार्टी के जो लोग आते हैं उनको वेलकम किया जाएगा और एकोमोडेशन में कहीं कोई आपसी सामंजस्य में दिक्कत नहीं होगी बीजेपी के भीतर। कैमरामैन कृष्णा के साथ विजय कुमार, सिटी विजन, हैदराबाद।